हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल गार्डन ज्ञान। थैंक यू दोस्तों। आज ये वीडियो मेरा स्पेशली रोज पे है, आप लोगों के रिक्वेस्ट से और एक वीडियो लाया हूं रोज के ऊपर। ये देखिए, ये है इम्पैराट्राइस फरा। ये बहुत खूबसूरत रोज है, इसको बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला। ये देखिए, क्रीम कलर में रहता है और आउटर है जिसके रेड रहते हैं, और ये 15-20 दिन तक रहता है कप शेप में खिल के। धीरे धीरे, बहुत धीरे ये खिलता है। ये देखिए आउटर एज ये इसका, ये जब मैच्योर्ड होने लगता है तो रेड का कलर बढ़ने लगता है और इसके पेटल काउंट भी बहुत रहते हैं, बहुत जबरदस्त वैरायटी। और ये देखिए न्यू ब्लैक डिलाइट, ये 2 महीने से लगातार खिल रहा है और फेड होने के बाद ब्लैक कलर दिख रहा है, लेकिन ये वाला सबसे अच्छा लगा मुझे। ये देखिए, और 5-6 दिन के बाद इसका फोटो, धीरे धीरे खिलने लगा है और लाइट रेड दिखने लगा है सब जगह। ये बहुत साइज में बड़ा आता है और ये सेंटर्ड भी होता है। ये देखिए अभिसारिका, ये बहुत छोटा छोटा खिल रहा है, लेकिन जब खिलता है पहले 1-2 दिन बहुत एट्रैक्टिव लगता है। इसके बर्ड्स आए हैं, ये देखिए ये, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं करता है और 4-5 नंबर दिन में फेड होके दूसरे कलर आ जाता है इसमें। फिर भी डबल साइड में होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए राइस हल्स डाला था मैं और टॉप रोज, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है इसका। ये 2 दिन के बाद देखिए, वो जो बर्ड्स आए थे खिल गए हैं और ये मधुमक्खी भी बहुत आ रहे हैं इनके पास। वाइब्रेंट कलर है। पहले रोज के आईडी सब पता नहीं थे, जब से इनके आईडी और नाम पता होने लगे हैं उनका कदर करने लगा हूँ और उनका वैल्यू जानने लगा हूँ। आप लोग भी रोज कलेक्शन कीजिए, ये हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये बटन रोज, चाइना रोज भी बोलते हैं, ये तो वैरायटी ही है, एक साथ एक स्टिक में 50-100 खिलता है। देखिए चारों तरफ भर के आया है, हर तरफ देखिए फूल ही फूल है और पेटल काउंट भी बहुत अच्छा रहता है इसका। ये एक तो नया लाया हूँ, क्रीम सेड में है और खिलने के बाद वाइट हो रहा है, लेकिन फ्लावर 4-5 दिन लास्टिंग कर रहा है, ज़्यादा नहीं। इसका नाम नहीं, मैं नहीं जानता। और ये देखिए वाइट का फ्लोरीबुंडा, ये तो पूरा भर के आया है गमले के चारों तरफ। देखिए गुच्छों में कैसे हर डाली पे खिला हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका इस बार। देखिए दूर से दिखाता हूँ, ये आपका है लव एंड पीस, ये भी डबल सेट में आता है, येलो और आपका रेड मिक्स आता है, सेंट भी होता है इसमें, सेंटेड होता है। और ये हर दिन कलर चेंज करता रहता है, ये आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ मेरे रोज के वीडियो में। ये देखिए
डे थ्री पे पूरा चेंज हो गया, इसका येलो ज़्यादा आ गया। और ये वाला बर्ड और एक टू रोज साल भर खिलता है, अप्रैल मई जून इनमें फ्लावर का साइज छोटा हो जाता है और कई कई जगह तो ये सर्वाइव भी नहीं कर पाते। इनको ग्रीन नेट के नीचे अगर समर में रख लेते हैं तो ये फिर निखर के आ जाते हैं। रोज पे मेरे और 5-6 वीडियो हैं, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो वो भी देख लीजिएगा। अभी 50 के ऊपर वैरायटी हो गए हैं मेरे पास, सब एक साथ नहीं खिल रहे हैं, नहीं तो एक साथ दिखा लेता आपको। ये देखिए और एक शानदार वैरायटी सन स्प्राइट, वाइब्रेंट येलो कलर, फ्लोरीबुंडा वैरायटी है। इसके एक स्टेम में 4-5 फ्लावर आ रहे हैं, ये देखिए बड्स सारे हैं, बहुत हेल्थी ग्रोथ है। देखिए लीफ शाइनी लीफ है, ये देखिए चारों तरफ और निकल रहे हैं शूट्स, सब में बड़ आएंगे और ये एक साथ 5-6 भी खिलते हैं। देखिए ये ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं थोड़े थोड़े, मैंने इवनिंग के टाइम में पानी दे दिया था, इसे हटा रहा हूँ मैं, नहीं तो पूरे प्लांट पे ये स्प्रेड हो जाएंगे। ये देखिए ब्लैक स्पॉट जिस पे आया है वो वाला मैं निकाल रहा हूँ, पूरा पत्ता को नहीं निकाल के आप उसी जगह को भी निकाल के बाहर कर सकते हैं। और इनको नज़दीक मत डालिएगा, दूर फेंक दीजिएगा पत्तों को, नहीं तो ये फंगल डिजीज होता है, स्प्रेड होता है ये। इसका कलर देखिए डीप येलो, बहुत सुंदर दिख रहा है। ये कुछ दिन बाद थोड़ा फेड हो जाता है, ये देखिए ये झड़ने लगा है और नया नया ये सब खिलने लगे हैं। जो फूल खिल जाए उसे काट लीजिए, फिर नए ग्रोथ आएंगे। और ये है देखिए लव रोज, ये पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ मेरे कई वीडियो में, ये लगातार खिल रहा है, आउटर वाइट और रेड। मैं जिस जगह पकड़ा हूँ वहाँ पे कांटे हैं, ये बहुत कांटेदार होता है। इसके बर्ड्स देखिए ये सब, ये देखिए आधा खिला हुआ है, कितना सुंदर दिख रहा है। नाम ही इसका लव रोज है। ये 10-12 दिन तक रहता है और साइज भी इसका बड़ा आता है। ये देखिए कुछ दिन के बाद ये ऐसे पूरा खिल गया है, ये देखिए कांटे, कितने कांटे हैं इसके, छोटे छोटे रहते हैं कांटे और नीचे पड़े साइज का कांटा रहता है। ये देखिए वाइट फोल्ड सब ढक गए हैं। ये खिलने के बाद उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है जितना पहले 3-4 दिन में लगता है। रोज कई जगह पे कई कई दाम पे मिलते हैं, किसी जगह 25 रुपया से लेके 150 रुपया तक ये मिलते हैं, लेकिन आप वो 25-30 रुपया वाला प्लांट मत लीजिएगा अगर बिगिनर्स हैं, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं करते हैं और करते भी हैं तो ग्रोथ अच्छा नहीं होता है उनका। आप देखिएगा जिसके हेल्थी ब्रांच आए होंगे 5-6 ब्रांच, ऐसा वाला लीजिएगा भले ही 80-100 रुपया दाम उसके आए। ये देखिए मिनिएचर वैरायटी एक टू रेड में, बर्ड्स देखिए, ये देखिए इसका फ्लावर। रोज में आप मॉर्निंग को ही पानी दीजिए, इवनिंग को मत दीजिए, नहीं तो मैं देख रहा हूँ ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं। और प्लांट को आप थोड़े स्पेस दे के रखिए,
लगा लगा के रखने से भी फंगस का प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं। ये देखिए एक तो रेड में, और ये वाला व्हाइट में। सात दिन में एक बार फंजीसाइड का स्प्रे कीजिए, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच। और लोग कमेंट कर रहे हैं उनका कीड़ा लग रहा है, ये देखिए ये है कैलकटा 300, बहुत सेंटर्ड होता है ये इसका बर्ड्स। वो कीड़े का जो प्रॉब्लम है उसके लिए इमिडाक्लोप्राइड आप स्प्रे कर सकते हैं। और कैम जो बोला था, कैम स्प्रे करने से आपका थ्रिप्स एफिड्स सब नहीं लगेंगे, ये देसी वाला है। रोज पे मैं और एक वीडियो बना रहा हूँ, उससे आपको बताऊंगा मैं रोज के वैरायटी के बारे में, जैसे कि फ्लोरीबुंडा, ग्रांडी फ्लोरा, हाइब्रिड टी, और आपका क्लाइंबर और पोलियंथा, इन सब के बारे में जानकारी दूंगा। और कौन से वैरायटी में कैसे फ्लावर आते हैं, कौन सा आपको चूज करना चाहिए, वो सब बताऊंगा। आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए नमस्कार।